सोसाइटी इनकार किया है। इसमें हमारे साथ स्कूली बच्चों ने शुरू से हम अवंतीपुर की आवाम को एक अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इस दलदल में फंसे हुए हैं, जो इस दलदल में फंसे हुए हैं, अपनी तरफ से हर कोशिश करके उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश में करेंगे। और कभी भी जब हमें के नस्बत कोई भी मालूमात हासिल होते हैं तो हम अपने उस्तादों के अलावा पुलिस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करेंगे ताकि उन पर कानूनी नकेल कसा जाएगा। देखिए इस वक्त कश्मीर में बहुत सारी सोशल इविल्स पाई जाती है, उनमें से अगर देखा जाए सबसे बड़ी सोशल इविल कौन सी है, वही ड्रग पेडलिंग है। तो जो वक्फ के जितने भी स्कूल्स हैं, हम सबको चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी साहब की तरफ से क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शन कि हमारे स्कूल से इस ड्रग पेडलिंग के खिलाफ रैलीज निकलनी चाहिए। तो आज हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के बैनर तले हम इस रैली का हिस्सा बने। तो मुझे लगता है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमारे बच्चों ने भी अहद किया कि वो इस ड्रग पेडलिंग में अपने आप को मुलविस नहीं करेंगे, बल्कि ये भी अहद किया कि अगर किसी को देखा इसमें मुलविस होते हुए तो वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ। जो आज हमने रैली मुनक्कद की, ये मंतकी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल अवंतीपुरा से खार मोड़ अवंतीपुरा तक हमने इसको इनकार किया था इस रैली का, और इस रैली को इनकार करने का और इसके अलावा भी हम जितनी भी रैलीज ऑर्गेनाइज करते रहते हैं उन सब को बेसिकली ऑर्गेनाइज करने का एक बेसिक मुद्दा जो हमारा होता है वो ये है कि हम लोगों को नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए हम अवेयर करना चाहते हैं लोगों को कि ये जो ड्रग्स है ये लोगों की सेहत के साथ साथ इकॉनमी के ऊपर भी बहुत बुरा असर डालती है। तो हमारा मेन मकसद जो होता है वो ये होता है कि हम लोगों को एक अवेयरनेस मैसेज पहुंचाएं। सिर्फ प्यूनेटिव एक्शन से इस नासूज पर काबू पाना मुश्किल है। जब तक कि हमें सिविल सोसाइटी का पूरे तरीके से तावन हासिल नहीं होगा, उस तावन को हासिल करने के लिए हम लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि अगर उनके आस पड़ोस में कोई भी बंदा ड्रग पैडलिंग के साथ डील कर रहा है वो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुँचाएँ। और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा कहीं पर ड्रग की लत में लग चुका है तो उसको एज ए पेशेंट ट्रीट किया जाए और उसके बारे में भी हमें इतला दी जाए ताकि हम जो सप्लायर है उस सप्लायर तक पहुंचकर उस चैन को ख़त्म करें और मैक्सिमम लोगों को इससे दूर रखने की जो हमारी कोशिश है उस कोशिश में हम कामयाब हो जाएं। अवंतीपुरा सब डिवीज़न की ही मैं बात कर पाऊँगा। अवंतीपुरा सब डिवीज़न में अभी तक हमने 3 पिट NDPS इस वक्त तक हमने एग्जीक्यूट किए हैं जो बड़े ड्रग माफिया थे उनके खिलाफ। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक अवंतीपुरा सब डिवीज़न में हमने 43 FIRs रजिस्टर किए हैं और ये हमारा जो मिशन है ये अभी कंटिन्यू है और आने वाले दिनों में आप इसमें और भी स्ट्रिक्ट कार्रवाइयाँ देखेंगे।